जाते जाते 1937 में उन्होंने एक पर्सनल लॉ बना दिया, उसको कहते हैं शरीयत एक्ट। अगर आप टीवी पे किसी मौलाना को सुनते होंगे कि हम तो शरीयत से चलेंगे, शरीयत से चलेंगे, तो शरीयत का मतलब वो कुरान की बात नहीं करता, शरीयत का मतलब अंग्रेज़ों द्वारा 1937 में बनाए गए शरीयत एक्ट की बात करता है। वो कहता है हम शरीयत से चलेंगे, तो हम लोग सोचते हो कह रहा है शरिया से चलेंगे, नहीं शरिया से नहीं, वो कह रहा है हम 1937 वाले शरीयत एक्ट से चलेंगे। अब 1937 का शरीयत एक्ट क्या कहता है कि शादी विवाह की उम्र 9 साल होगी, हमारे यहाँ कितनी है 18, उधर शरीयत एक्ट क्या कह रहा है 9 साल। अब 9 साल में अगर शादी होगी तो 18 साल आते आते 4-5 बच्चे भी हो जाएंगे, जब तक इधर शादी होगी तब तक उधर 4-5 बच्चे हो जाएंगे। अब जब 9 साल में शादी होगी तो वो बच्ची पढ़ेगी क्या, और जब आज के ज़माने में 9 साल में शादी होगी 18 साल में 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो तबीयत भी ख़राब रहेगी, तबीयत ख़राब होगी तो सरकारी हॉस्पिटल का बजट और बढ़ाना पड़ेगा। आपको अगर देखना है तो मुझे हिमाचल में नहीं, कभी दिल्ली आइए, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, एम्स है, सफदरजंग है, सुबह 9 बजे एक बार वहाँ कैमरा लगा के देखिए, आपको पूरी लाइन से लाइन में खड़े होने से आइडिया लग जाएगा कि समस्या कहाँ आ रही है। जो महिलाएं आती हैं उन महिलाओं को आप ऐसे ही पहचान लेंगे कि समस्या है क्या, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है, ये अंग्रेजों ने जानबूझ के किया था। और इसकी शुरुआत, इनफैक्ट इसकी शुरुआत किया था मुगलों ने। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में या हिमाचल की संस्कृति और उत्तर प्रदेश की संस्कृति और तमिलनाडु के कल्चर में जो अंतर है वो शुरू हुआ मुगल काल से, उसके पहले कोई डिफरेंस नहीं था। जैसे हमारे यहाँ विवाह संस्कार दिन में होना चाहिए, हमारे वेद में लिखा हुआ है, यहाँ दिन में होता है कि रात में होता है, जोर से बोलिए, नहीं तो रात में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी रात में होता है, लेकिन केरल कर्नाटक आंध्रा तेलंगाना तमिलनाडु में दिन में होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दिन में विवाह होता था तो मुगल क्या करते थे कि लड़कियों को, हमारी बेटियों को उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए हमने रात्रि विवाह शुरू कर दिया। हमारे यहां घर में विवाह नहीं होता था, हमारा घर विवाह कहां होता था, मठ मंदिर में। मैंने आपको कहा ना, मठ मंदिर हर तरीके का, कल्चरल सेंटर, रिलीजियस सेंटर, मैरिज सेंटर, सब कुछ होता था, लेकिन चूंकि मठ मंदिर पब्लिक प्लेस होता था वहां विवाह करते थे, तो वहां से वो, और जो सड़क के आसपास होता था, जो सड़कें बनी होती थी उसके बगल में होता था, वहां उठा लेते थे। तो हमने क्या परंपरा बना लिया उनसे बचने के लिए, घर में विवाह, और घर में भी कैसे, आंगन के अंदर, कि बाराती बाहर बैठे हैं, अगर अटैक होगा तो बाराती तब तक संभाल लेंगे, हमारी बेटी बच जाएगी। यह कुरीति आई मुगलों के टाइम। हमारे घूंघट प्रथा, हमारे आप बताइए कि इतने आप लोगों ने सीरियल देखा, द्रौपदी सीता सब लोग देखा, देवियां हमारी, कोई घूंघट में है क्या, कोई है घूंघट में? जहां जहां मुगलों का राज्य था वहां वहां घूंघट प्रथा थी, शुरू हो गई, जहां मुगल नहीं पहुंचे वहां घूंघट प्रथा, दक्षिण भारत में घूंघट प्रथा नहीं है, जहां जहां मुगलों का राज हुआ वहां बाल विवाह शुरू हो गया, दक्षिण भारत में नहीं है। जहां तो बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये कब शुरू हुई, 15वीं शताब्दी के बाद। उसके पहले न बाल विवाह था, न रात्रि विवाह था, न घूंघट प्रथा थी, कुछ भी नहीं थी। 1000 साल पहले हमारे अखंड भारत में, अखंड भारत का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में एक कल्चर था, पूरे भारत में एक प्रथा थी, लेकिन भारत बटता गया, भारत घटता गया, और कैसे कैसे बटा है, कैसे कैसे घटा है, मैं इसका एक डेटा आपको बता देता हूं। ईसा से 200 साल पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज था तो भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। ध्यान से सुनिए सब लोग,
कितनी थी? 100 साल के बाद 15 करोड़, यानी बढ़ी। ईसा जब शुरू हुआ, जिसको हम जैसे आज की डेट है 8 अप्रैल 2023, ऐसे जो पहली डेट थी क्या थी? 0000000, पहली डेट यही थी ना। तो जब ईसा शुरू हुआ तो भारत की जनसंख्या थी 18 करोड़, यानी जनसंख्या बढ़ी। पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या थी, सॉरी, ईसा के समय 16 करोड़, पहली शताब्दी में 18 करोड़, दूसरी शताब्दी में 20 करोड़, यानी जनसंख्या फिर बढ़ी, तीसरी शताब्दी में 22 करोड़, चौथी शताब्दी में 25 करोड़, पांचवी शताब्दी में 28 करोड़, छठवीं शताब्दी में 33 करोड़ और सातवीं शताब्दी में 40 करोड़। तो अभी आप देख रहे होंगे लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ना चाहिए, स्वाभाविक सी बात, जनसंख्या बढ़ती है। सातवीं शताब्दी में 40 करोड़ है, आठवीं शताब्दी में 39 करोड़, 39 करोड़, 1 करोड़ कम हो गई। इसका मतलब भारत घटा, भारत बटा। नौवीं शताब्दी में 38 करोड़, 1 करोड़ फिर कम हो गए। इसका मतलब भारत बटा और भारत घटा। जोर से बोलिए, भारत बटा, भारत घटा। दसवीं शताब्दी में 36 करोड़, यानी भारत बटा, भारत। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़ यानी भारत बटा, भारत। 12वीं शताब्दी में 28 करोड़ यानी भारत बटा, भारत। 13वीं शताब्दी में 23 करोड़, इसका मतलब भारत बटा, भारत। 14वीं शताब्दी में 18 करोड़ यानी भारत बटा, भारत। 15वीं शताब्दी में 13 करोड़ यानी भारत बटा, भारत। 15वीं शताब्दी का मतलब बाबर, 15वीं शताब्दी का मतलब। तो अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 15वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 15 करोड़ है और ईसा से 100 साल पहले भी 15 करोड़ है। इसका मतलब 1600 साल तक भारत की जनसंख्या वही है। ईसा से 100 साल पहले कितनी थी? 15 करोड़। 15वीं शताब्दी में भी 15 करोड़, यानी 1600 वर्षों तक भारत बढ़ता रहा, भारत। 7वीं शताब्दी से बढ़ना घटना शुरू हुआ है, जनसंख्या वहीं पहुंच गई जहां ईसा से 100 साल पहले थी। और इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी समझ लीजिए, 15वीं शताब्दी में बाबर आया तो पाकिस्तान में कोई मुस्लिम था क्या? जोर से बोलिए, बांग्लादेश में कोई था? भारत में कोई था? आज की डेट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में टोटल 60 करोड़ मुस्लिम हैं। कितने? 15वीं शताब्दी में कोई था? 2000 में कितने? 60 करोड़, यानी 500 साल में कितने हो गए? अरे बोलिए भाई, 60 करोड़। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बैटरी डाउन हो रही है क्या? भारत माता की। देखो, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, वकालत तो मैंने बाद में किया है, पहले मैं इंजीनियर था। तो जो बातें कह रहा हूँ आपको डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, और थोड़ा बातचीत का तरीका भी मेरा वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक वाला नहीं, मैं आपको कैलकुलेटेड फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। बाकी हंसी मजाक करने वाले तो बहुत लोग आएंगे, अपना कविता पाठ होता रहेगा। इसका मतलब 500 साल में टोटल बाबर के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कितने मुस्लिम हुए? ये कौन है? ये मुस्लिम है क्या? कौन है ये? क्या कन्वर्जन बंद हो गया? तो हमने फिर सीखा क्या? अगर मुगल काल में भी कन्वर्जन हुआ, अंग्रेजों के टाइम में भी कन्वर्जन हुआ, और आजादी की 75 साल के बाद भी कन्वर्जन हो रहा है, और बाकी छोड़िए, आपके हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत जोरों से कन्वर्जन हो रहा है, आपको पता ही नहीं है, नाम वही का वही है, नाम नहीं बदला जा रहा है लेकिन अंदर से कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब यह हुआ या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है, यही होता है ना। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़।
नाई कितना ही अच्छा हो, अगर उसका उस्तरा अच्छा नहीं होगा, कैंची अच्छी नहीं होगी, तो बाल ठीक से कटेगा क्या? जोर से बोलिए। सर्जन बहुत अच्छा हो, अगर ऑपरेशन थिएटर का सामान गड़बड़ हो, ठीक से ऑपरेशन सफल होगा क्या? मिस्त्री बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी कन्नी बसली जिससे दीवार बनाता वो खराब हो, अच्छी दीवार बनेगी क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, तब तक न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगा, न जिहाद रुकेगा, न मजहबी उन्माद रुकेगा, न कट्टरवाद रुकेगा, न जातिवाद रुकेगा, न भाषावाद रुकेगा, न क्षेत्रवाद रुकेगा, न घूसखोरी रुकेगी, न जमाखोरी रुकेगी, न मिलावटखोरी रुकेगी, न कालाबाजारी रुकेगी, न नशा तस्करी रुकेगी, न मानव तस्करी रुकेगी, न सोना तस्करी रुकेगी, न चंदन तस्करी रुकेगी, कुछ भी कम नहीं होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री आए उनमें कोई चाइना के प्रधानमंत्री से कमजोर है क्या? सिंगापुर से कमजोर है क्या? बीमारी ठीक नहीं होने का मतलब तीन चीज होती है। पहला, बीमारी लाइलाज हो। दूसरा, डॉक्टर गड़बड़ है या दवा गड़बड़। तीन ही बात होती है। अगर आपकी तबीयत खराब ठीक नहीं हो रही है तो या तो वो बीमारी लाइलाज है, पूरी दुनिया में सबको है इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं तो फिर दो ही ऑप्शन है, या तो दवा गड़बड़ है या तो डॉक्टर गड़बड़ है। अगर सिंगापुर में, जापान में, कोरिया में, जर्मनी में धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज बीमारी तो नहीं है। अगर सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में मजारे नहीं बन रही है, दरगाहें नहीं बन रही है, इसका मतलब अवैध मजार, अवैध दरगाह, ये लाइलाज बीमारी तो नहीं है। अगर सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, इसका मतलब पत्थरबाजी लाइलाज समस्या तो नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई, जो भारत में समस्याएं हैं अगर ये पूरी दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये समस्याएं लाइलाज नहीं है। अब फिर दिक्कत क्या हो रही है? नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, गुलजारी लाल नंदा बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर नंदा जी बने, फिर इंदिरा जी बनी, मुरारजी बने, चरण सिंह जी बने, इंदिरा जी बनी, राजीव जी बने, विश्वनाथ जी बने, चंद्रशेखर जी बने, नरसिम्हा राव जी बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, मनमोहन जी बने और भी मोदी जी। अब सवाल ये है, हमारे साथ दिक्कत ये हुई, हम डॉक्टर तो बदलते रहे लेकिन डॉक्टरों ने दवाई नहीं बदली। तो जो पहले सिंपल बुखार था, जो दो गोली खाने से ठीक हो सकता था, वो टाइफाइड हो गया। याद रखिए, अगर जैसे आपकी बीमारी शरीर में है, अगर उसका आप तत्काल इलाज नहीं कराओगे तो बीमारी बढ़ेगी। गांठ है नहीं निकलवाओगे तो बाद में कैंसर हो जाएगा, बुखार है नहीं दवा लोगे बाद में टाइफाइड हो जाएगा या निमोनिया हो जाएगा या टीबी हो जाएगी।